एटा में भारतीय किसान यूनियन भानू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह एटा टूंडला रोड स्थित भाकियों के कार्यालय पर पहुंचे और उद्घाटन किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में एकत्रित भीड़ ने उनका अभिवादन किया। वही मौके पर उपस्थित किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा किसान आयोग का गठन किया जाए, साथ ही आयोग में किसानों की भी बात रखी जाए। वही किसानों की आवाज को उठाने की बात करते हुए जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ता दिल्ली के रामलीला मैदान में केंद्र की मोदी सरकार से किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन करेंगे। अंकित जी, आज भारतीय किसान यूनियन भानु का कस्बा वागड़ में कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में आप? ऐसा है, भारतीय किसान यूनियन भानु पूरे देश के किसान मजदूर गरीबों का संगठन है। अब आगड़ में हो रहा है कार्यालय का उद्घाटन, जगह जगह होगा कार्यालय का उद्घाटन। अन्याय के खिलाफ जैसे पांडवों ने अपने शिविर लगा लगा कर कुरुक्षेत्र का मैदान लड़ा था, वैसे ही अब अति सर्वत्र बरसते 72 साल में देखते देखते कि ये सरकार करेगी, वो सरकार करेगी, ये सरकार करेगी, लेकिन किसी सरकार और किसी पार्टी ने किसानों की नहीं सुनी। किसानों को फसलों के वाजिब दाम की तो बात अलग छोड़ो, लागत मूल्य के बराबर भी दाम नहीं दिया, इसलिए किसान गरीब हो गया, कर्जदार हो गया। अब भारतीय किसान यूनियन भानु ने ये निर्णय लिया है कि आप देश के किसान मजदूर गरीब छोटे छोटे दुकानदार व्यापारी यानी पांडवों की तरह इकट्ठे होंगे और चक्रवर्ती सम्राट दुर्योधन का जिस प्रकार सर्वनाश किया था, उसी प्रकार भारत के राजनेता जो झूठ बोलते हैं वोट पाकर इस लोकतंत्र में सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, तानाशाही करते हैं, उनको राजनीति से आउट किया जाएगा, इसलिए कार्यालय खुला है। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह और बंटी भैया हैं, इधर संतोष यादव राष्ट्रीय महासचिव हैं, फिरोजाबाद से भी तमाम प्रदेश के और राज्य के पदाधिकारी आए हैं, और योगेश प्रताप जो 1 तारीख को नगला बीच पे नहरों के लिए लड़ाई लड़ रहा था वो प्रदेश अध्यक्ष है। यानी प्रदेश के पदाधिकारी, देश के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी और जिलों के पदाधिकारी सबका हम स्वागत कर रहे हैं, और उम्र हो गई है 70 साल, इसलिए अपनी सेना में नौजवानों को भर्ती कर रहे हैं, फौज बना रहे हैं किसानों की। भारतीय किसान यूनियन भानु है, इस संगठन का नाम 100% अराजनैतिक है, कोई राजनीति से हमारा लेना देना नहीं, लेकिन जो राजनेता हमको धोखा देगा उसके लिए हमारा कहना है, जो किसान की बात करेगा अब वो ही देश पे राज करेगा। हम 80% हैं, लोकतंत्र है। एटा से केकेडी न्यूज ब्यूरो राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में ग्राम पंचायत रुदूपुर में एडीओ पंचायत जांच के दौरान आए और ग्राम प्रधान व सचिव से मिलकर जांच के नाम पर केवल खाना पूर्ति करके ही वापस चले गए, जिसके बाद एडीओ की इस जांच से जनता काफी नाराज नजर आई। इतना ही नहीं, ग्राम प्रधान व उनके भाई के द्वारा ग्रामीणों को धमकियां भी दी जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस पर आगे क्या कार्यवाही की जाएगी। जैसा कि आज मैं यहाँ जो है रुदूपुर गांव के दहाड़वा पुरवा में आया हूँ, यहाँ जो है एडीओ साहब आए और जांच करके गए, उसके बावजूद भी यहाँ की जनता उससे संतुष्ट नहीं है। चलिए ठीक, मैं जानता हूँ जनता से, यहाँ की महिलाएं आई हैं हमारे साथ, देखिए ये हैं, क्या हुआ आज यहाँ आए हैं जांच करने, तो क्या हुआ यहाँ? लाइट न बनी बा और यहाँ कौन प्रधान नल न बनवाए हैं नहीं, और जनता पूरी खिलाफ है प्रधान के ऊपर, प्रधान के ऊपर जो है प्रधान 10 रुपया के जो फोड़ दे हैं, मने 10 रुपया मैं 10 रुपया नल का नाला कुछ लागे नहीं,
ना पानी फूल गई, सुधा का पानी बाबा दे सुधा आइए ना ना। क्या नाम है आपका? ललिता। जैसा कि यहाँ बता रहे हैं ये लोग, यहाँ किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई है। ये जांच के नाम पे अधिकारी आके सिर्फ खाना पूर्ति करके चले गए, तो आप क्या कहेंगे? हाँ साहब, हमारी ये कहना है बात कि ना आए रहे जांच करे वाले साहब लोग, लेकिन तो ना नलका बा ना लाइट बा, पूरी जांचो ना, एकदम पूरी जांचो ना आगे बे, आधे रास्ता में आगे गांव मल्ले कह के ओकरी बात तो को भागे पीछे। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? एडीओ पंचायत साहब आए, प्रधान पूरा आए, टोटल भ्रष्टाचार किए ये सत्य है, और एडीओ पंचायत और जो अधिकारी भी आए थे उन लोगों ने लेन देन कर लिया, लेकिन हम लोग भी एक कसम खा चुके हैं, जब तक वास्तव में सत्य की जांच नहीं हो जाती है तब तक हम लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे और जांच करा कर रहेंगे, चाहे स्वयं ही मिट जाए लेकिन जांच कराएंगे। जनता हमारे साथ है, हम जनता के साथ हैं। वो लोग दंगा करवाने की कोशिश में लगे रहे थे, दंगा करा दारू पिला के दंगा कराने की मतलब कोशिश उनकी जारी थी, और उसके बाद क्या कहते हैं कि उनसे बात किया जाए तो वो जबरदस्ती जो सही बता रहे हैं उनको भी मुंह बंद करा दिया जा रहा है। दूसरी चीज क्या थी कि हमने डीएम साहब से बात भी की तो वो मीटिंग में थे, उन्होंने कहा कि सीडीओ साहब से बात करिए, उनका नंबर हमारे पास नहीं था, लेकिन जो कल हमें वीडियो साहब ने बताया था कि आपको स्पोर्ट मेमो लेकर ही वहाँ से जाना होगा, आना है, इन्होंने हमें कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया, धमकी भी दे रहे हैं, मारे इमरान को भाई, धमकी दे रहे हैं वालों को, धमकी हमको दे रहे हैं, मारे उनके छोटे भाई प्रधान द्वारा। देखिए जैसे यहाँ की यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि जांच के नाम पे सिर्फ अधिकारी आए और खाना पूर्ति करके चले गए और लोगों को धमका भी रहे, प्रधान के भाई, प्रधान और प्रधान के भाई लोगों को धमका रहे हैं कि अगर आप जो है सही बोलोगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। जैसे क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पवन पांडे है। आपका क्या नाम भैया? क्या कहे आपको प्रधान के भाई ने, क्या कहा आपसे? धमकी दे रहे हैं, हम तुमको मारेंगे सच्चाई बोलोगे। अच्छा हाँ, तो आपने क्या कुछ कहा कि नहीं जांच में? अरे ठेल भगा रहे हैं। अच्छा, आपको कुछ कहने नहीं दिया गया? कुछ नहीं कहने दिया। अच्छा हाँ, आप भैया युवा नेता, आप निखिल तिवारी युवा नेता, जैसे माता जी आप लोग बताइए इस जांच से आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं? हाथ उठाए भैया। अंबेडकर नगर से केकेडी न्यूज संवाददाता रक्षा राम यादव की रिपोर्ट। बिहार के रेलवा से बिराजपुर सड़कों के हालात इतने खराब है कि यहां कभी भी किसी तरह का हादसा हो सकता है। आए दिन रोजमर्रा की जिंदगी से लोग मजबूरी में इस सड़क पर चलने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि आज तक ना ही इस रोड का नवीनीकरण हुआ है और ना ही मरम्मत हुई, ना ही रोड को आज तक बनाने का कोई काम किया गया। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि आखिरकार इस सड़क को कौन बनाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि यह सड़क विकास कार्यों से कोसों दूर। बिहार के सिमुलतला से केकेडी न्यूज संवाददाता विवेक राज की रिपोर्ट। एक तरफ जहां सरकार आए दिन देश के विकास कार्यों के लिए नई नई योजनाओं की शुरुआत करती है, तो वहीं आज भी कई ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यों से कोसों दूर है। ऐसा ही एक मामला फतेहपुर के खागा तहसील से सामने आया है, जहां के रहने वाले अभी श्रीवास्तव जनहित के मुद्दों पर कार्य करते हैं। उसी क्रम में उन्होंने एक PIL जनहित उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने अपने नगर में विकास कार्यों को लेकर बात रखी। इसके साथ ही सर्वे के आधार पर लाखों का बजट पास करने की भी बात कही गई थी, जिस पर उच्च न्यायालय से सर्वे के आधार पर बिना एस्टिमेट के ही निर्माण की बात की गई। अब देखना ये होगा कि न्यायालय के द्वारा इस पर आखिरकार क्या कार्यवाही अमल में लाई जाती है। नमस्कार साथियों, अभी श्रीवास्तव विजयपुर से समय समय पर जनहित के मुद्दे उठाता रहता हूँ। उसी क्रम में हमने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL जनहित याचिका हमने दाखिल की थी 6 अगस्त को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में। हमारे यहाँ की नाली और नाला की समस्या को लेकर इसमें हम लोगों ने पिटीशन दाखिल किया था, एक कंप्लेंट की थी। इसमें 17 सितंबर को डेट लगी थी, जिसमें कि 5 अक्टूबर के लिए हियरिंग डेट फिर से लगी थी, आज यानी कि 5 अक्टूबर है। और हालांकि 17 और 5 के बीच में यहाँ पे तहसील स्तर पे सर्वे हुआ, सर्वे में पाया गया कि एस्टीमेट 32,65,000 का यदि पास हो जाता है तो यहाँ पे नाली का निर्माण
और एक अच्छा नाला के निर्माण की व्यवस्था हो जाएगी। उसी क्रम में जो आज सुनवाई हुई माननीय उच्च न्यायालय के, उसमें इसको स्पष्ट रूप से दिखा दीजिए, ये एक वहां से आर्डर आया है जिसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं 23 नवंबर की डेट लगी हुई है, अगली डेट दिख गया। इसमें यह बताया गया है, लास्ट में पढ़ देता हूं, पुट अप अगेन एज फ्रेश ऑन 23/11/2020 ऑन व्हिच डेट द स्टैंडिंग काउंसिल शैल इन्फॉर्म द लेटेस्ट पोजीशन रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज। यानी कि 23 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ये जवाब दे कि आपने ड्रेनेज का निर्माण कितना किया। उसमें यह नहीं पूछा कि आपको एस्टिमेट देना है क्या करना है, यानी कि 23 नवंबर 2020 तक आपने कंस्ट्रक्शन कितना निर्माण किया नाली और नाले को लेकर। अब उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए जवाबदेह है। मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिसमें हमारे साथी सभी लोगों ने सहयोग किया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जैसा भी सहयोग मिला, हमारे पत्रकार बंधुओं का, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का। मैं हृदय की अनंत गहराइयों से एक बार फिर से विजयपुर ग्राम से अभीर श्रीवास्तव, हमारा तहसील खागा है, जिला फतेहपुर है, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। फतेहपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता ताज आप्ती की रिपोर्ट।